हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं CISF ट्रेड्समैन 2020 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा फ्रेंड्स, इसके PT, PST और TT अभी कंटिन्यू चल भी रहे हैं और बहुत से कैंडिडेट के हो भी गए हैं, जिसमें मैक्सिमम कैंडिडेट डिसक्वालीफाइड हो रहे हैं और मिनिमम कैंडिडेट क्वालिफाई हो रहे हैं। तो दोस्तों, जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो रहा है, उन लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि सर अब नेक्स्ट लेवल की तैयारी हम कैसे करें, कुछ बताइए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अब आप लोगों का जो नेक्स्ट लेवल होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, रिटर्न एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का जो लिखित एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, उसकी रणनीति कैसे बनाए कि आपका क्वालिफाई हो जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा रहता है आपके डिस्क्वालिफाइड होने का। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं वन बाई वन करके। लेकिन डियर फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आती है वीडियो पसंद तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो में बात करते हैं। लेकिन आप लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि अब आपके पास बहुत से बहुत मैक्सिमम 2 मंथ्स बचे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में ओनली 2 मंथ्स बचे हैं। अब आपको वो करना है जो आप लोगों का पेपर निकाल सके, ना कि वो जो आपके पेपर में बाधा बने और आपका पेपर ना निकले। तो फ्रेंड्स, चलिए वो कौन कौन से उपाय हैं, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है, और आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, हम हर एक चीज डिस्कस करने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में, और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिरकार आपके पेपर का लेवल कैसा रहता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जिस तरीके से आप तैयारी करेंगे, आपको यह पता होना चाहिए कि आपका जो पेपर आने वाला है या होने वाला है, आखिरकार वह किस लेवल में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, अधिकतर कैंडिडेट से बात करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है मैंने कि आपका जो पेपर रहता है फ्रेंड्स, वह मीडियम लेवल का रहता है। जी हाँ फ्रेंड्स, मीडियम लेवल के आपके पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब, ना तो ज्यादा इजी, ना तो ज्यादा सरल क्वेश्चन रहते हैं आपके एग्जाम में, और ना ही ज्यादा कठिन। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन करके चले गए तो आपका पेपर निकल जाएगा। आप ये गलती ना करें कि आप कठिन कठिन प्रश्नों को पढ़ें, ना ही आप इजी इजी क्वेश्चंस पढ़ें। आप लोगों को जो करना है वो मीडियम लेवल में करना है। कहने का मतलब, अब आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है और कौन कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है, आपका सिलेबस क्या रहेगा, हम वो बात कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आ गए हैं उस स्लाइड पे जहां पे आपका सिलेबस मेंशन किया गया है कि आखिरकार आपके एग्जाम में क्या पूछा जाने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले बता दूं, यहाँ पर जो आपका सिलेबस दिया गया है, आप उसको ध्यान से देखेंगे क्या लिखा है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर 2B आंसर्ड 1 OMR सीट ऑफ 100 मार्क्स ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन कंटेनिंग 100 क्वेश्चन 1 जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज। इसी प्रकार से आपका नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स इसी प्रकार से आ जाता है, एनालिटिकल एप्टीट्यूड इसी प्रकार से आता है, एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड यहाँ पे पैटर्न्स एंड टू टेस्ट द बेसिक नॉलेज ऑफ कैंडिडेट इन हिंदी एंड इंग्लिश। जी हाँ फ्रेंड्स, इसी के बाद क्या है, द क्वेश्चन विल बी सेट बायलिंगुअल इन हिंदी एंड इंग्लिश या इंग्लिश हिंदी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का यहाँ पर जो सब्जेक्ट पूछा जाने वाला है वो है, पहला तो हो जाएगा आपका जनरल अवेयरनेस। जी हाँ दोस्तों, एंड इसके बाद आपका सब्जेक्ट रहेगा जनरल नॉलेज। इसी प्रकार से आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा मैथमेटिक्स। इसी प्रकार से आपका रीजनिंग आ जाएगा, और दोस्तों आपका एक सब्जेक्ट हो जाएगा हिंदी या इंग्लिश, दो में से कोई एक। और आप सब्जेक्ट, इन सारे सब्जेक्ट्स को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दे सकते हैं आपके पेपर को। तो फ्रेंड्स, ये तो हुआ कि क्या क्या पूछा जाने वाला है। अब आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या दिया गया है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर क्वालिफाइंग फॉर नेक्स्ट स्टेज बिल अस अंडर। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी कैटेगरी दी है क्या है, UR और EWS एक्स सर्विसमैन, इनके लिए मिनिमम कितने परसेंट, 35%।
कहने का मतलब यदि आपका जो 100 का पेपर हो रहा है तो यहाँ पर 35 नंबर इन लोगों के लिए लाना अनिवार्य है। जी हाँ फ्रेंड्स, और इसी प्रकार से बात करते हैं किसकी, एससी एसटी एंड ओबीसी, तो इन लोगों के लिए 33 मतलब कि 33% लाना अनिवार्य होगा। लेकिन दोस्तों यदि आपने लास्ट ईयर का कट ऑफ देखा होगा, और नहीं देखा तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, यह सिर्फ कहने की बातें हैं कि आपको इतना लाना है 35 और 33, लेकिन कट ऑफ का हाल बेहद बुरा रहता है। इतने में कट ऑफ कहीं कहीं देखने को मिल जाए, नहीं तो बहुत ज्यादा कट ऑफ आप लोगों का हाई देखने को मिलता है, वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी जगह एक जैसा कट ऑफ देखने को मिले, कहीं कहीं पे कट ऑफ कम भी देखने को मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि आखिरकार अब हमको क्या करना है और क्या नहीं करना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में, और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिरकार हम क्या करें कि हमारा पेपर निकल जाए। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए पॉइंट रखे हैं, आप इन पर फोकस करें। पहला क्या, कि तैयारी अभी से करें। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी है, मतलब आज से ही कल से ही। कारण क्योंकि अब आपको पता होगा डियर फ्रेंड्स, आपके एग्जाम के लिए बहुत से बहुत यदि अधिकतर बात करें तो कितने दिन बचे हैं दोस्तों, 2 months, कहने का मतलब 60 दिन, ओनली 30 और 30 दूनी 60। जनवरी आपका एंडिंग में है, अब आप लोगों के पास मात्र एंड ओनली 60 ही दिन बचे हैं और आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, आप लोगों के एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स इससे यह है कि अब आप लोग तैयारी में अभी से लग जाएं, टाइम आपके पास बहुत कम है। अब दोस्तों यदि आप सब्जेक्ट वाइज भी डिवाइड करेंगे तो आप लोगों के जो 4 सब्जेक्ट रखे गए हैं, यदि आप इनको एक सब्जेक्ट को दिन देंगे तो दोस्तों यदि आप 4 भाग में डिवाइड करेंगे तो एक सब्जेक्ट के लिए आप लोगों के पास मात्र एंड ओनली 15 दिन है। 15 चौको 60, मतलब कि 4 सब्जेक्ट के लिए आपके पास ओनली 15 15 दिन है। अब आप लोगों को इतने दिन में आप लोगों का सिलेबस भी कंप्लीट करना है, एंड इसके बाद आप लोगों को उसका रिवीजन भी करना है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं अगला पॉइंट है हमारा क्या, अधिक से अधिक प्रश्न सॉल्व करना है। जी हाँ दोस्तों, जितने से जितने अधिक आपसे बन सके उतने अधिक आप लोगों को एमसीक्यू लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। कहने का मतलब चाहे फिर वो आपके जनरल अवेयरनेस से संबंधित हो, या फिर आपके आपके जीके से संबंधित हो, या फिर आपका जो प्रैक्टिस करने वाला सब्जेक्ट है जैसे कि मैथ और रीजनिंग। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों सब्जेक्ट के अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपको पर डे टारगेट बना के सॉल्व करना है। जी हाँ दोस्तों, अधिक से अधिक आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और आप जब पेपर देंगे तो आपको जरा सा भी हेजिटेशन नहीं होगा और आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली। तीसरा पॉइंट है क्या, टारगेट बनाए दिन का। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब यदि आपने कोई भी सब्जेक्ट उठाया है, मान के चलिए मैथ ही उठाया है, रीजनिंग उठाया है, या फिर आपने जनरल अवेयरनेस या हिंदी इंग्लिश जो भी आपने चूज किया है वो उठाया है, तो आप लोगों को पर डे का टारगेट बनाना है कि हाँ आज मेरे को यह टॉपिक कंप्लीट करना है, आज यहाँ तक मेरे को पढ़ना है। पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, घर की समस्याएं अलग धर दें, एक साइड में एक किनारे कर दें, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मौका आप लोगों को बार बार नहीं मिलता है। आप लोगों को घर की प्रॉब्लम्स एक साइड करना है और आपकी स्टडी एक साइड करना है, तभी आपका पेपर निकलेगा, विश्वास मानिए, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाता है। आप छोटे मोटी बात ना समझे, यह पेपर निकालना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों आपका चौथा पॉइंट है क्या, रिवीजन अवश्य करें। जी दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यदि इन सभी पॉइंट में यदि कोई है सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो वो है क्या, रिवीजन। जी हाँ दोस्तों, पढ़ने के लिए आपने सारी बुक्स पढ़ ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन पढ़ने से कुछ नहीं होता। यदि आपने उस चीज का रिवीजन नहीं किया तो दोस्तों आपका सारा करा कराया गुरमट्टी हो जाएगा। कहने का मतलब आप जब पेपर देंगे तो आपको ऐसा तो लगेगा कि हाँ मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, लेकिन आपके पास उस टाइम प्रैक्टिस नहीं होगी, रिवीजन नहीं होगा, तो आप उसको गलत करने की संभावना वहां पर मैक्सिमम होती है। इसलिए आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन अवश्य करें,
जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम अधिक से अधिक दो दो तीन तीन बार आप उसी चीज को रिपीट करें। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट क्या है, ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक पर फोकस करें। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब अब आपको पता होगा कि रीजनिंग कितनी बड़ी है। पूरी बुक पढ़ लो आप, मैथ मैथ के सारे टॉपिक लगा लो आप लोगों को 1 साल लग जाएगी यदि आप पूरे मैथ के टॉपिक डिटेल से बिल्कुल विस्तार पूर्वक लगाएंगे। तो ऐसे ही आप यदि जीके उठा लेंगे तो जीके भी आप कहाँ तक पढ़ेंगे दोस्तों, वो तो सागर है, समुद्र है। आपको वो पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आता है और जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। इसी प्रकार से दोस्तों हिंदी भी आप कहाँ तक पढ़ेंगे। कहने का मतलब आप ऐसी तैयारी ना करें जिसका आप रिवीजन ही ना कर पाए और जहां से क्वेश्चंस ही नहीं आते। आप वो तैयारी करें जिसका आप मल्टीपल टाइम्स, कहने का मतलब अधिक बार रिवीजन भी कर सकें और उसके साथ साथ वहां से आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले। इनपुट कम हो, आउटपुट अधिक हो, कहने का मतलब कम समय में ज्यादा प्राप्त हो आप लोगों को, वो करना है। अब आप ही बताइए, यदि आपके पास 15 15 दिन है एक एक सब्जेक्ट के लिए, तो आप डिटेल से पढ़ने बैठ जाएंगे तो क्या कुछ रिवीजन कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे ना। तो आप लोग ऐसी गलती ना करें। अब रही बात क्या नहीं करना है, तो चलिए फ्रेंड्स हम वो देख लेते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। अब दोस्तों हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और आप देख सकते हैं कि मैंने लिख रखा है क्या नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, क्या करना है और क्या नहीं करना है बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या नहीं करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है जो कि सभी का निचोड़ है, समय खराब या समय बर्बाद। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि आपके एग्जाम में ओनली 2 मंथ्स हैं या 60 डेज हैं, इसके समथिंग ही है दोस्तों, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। यदि आप अभी से तैयारी नहीं करेंगे, सोचेंगे कि हाँ अभी तो डेट नहीं आई है, अभी एडमिट कार्ड आएंगे फिर हम तैयारी करेंगे, तो दोस्तों आप सबसे बड़ी मूर्खता करेंगे, सबसे बड़ी गलती करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मूर्खता। यदि आप वेट करेंगे आपके एग्जाम की डेट का, यदि आप वेट करेंगे कि हाँ आएगा तब मैं तैयारी जोर शोर से कर दूंगा स्टार्ट, तो यह सबसे बड़ी मूर्खता हो जाएगी। आप समय बर्बाद कर लेंगे, फिर आपको कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट है क्या, ज्यादा बुकों को एक समेटना, इकट्ठा करना। कहने का मतलब अलग अलग सोर्स से आप पढ़ाई नहीं करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरा अभी तक का अनुभव है, यदि आप एक ही सब्जेक्ट की 4 बुक लेके बैठ जाएंगे तो विश्वास मानिए आप 4ों में से किसी एक को भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। कुछ इससे पढ़ेंगे और फिर कुछ इससे पढ़ेंगे और कुछ इससे, इसी प्रकार से आपका फिर सिलेबस हो जाएगा ज्यादा। क्या हो जाएगा, तीन तीन चार चार सोर्स से आप पढ़ाई कर लेंगे, तो उनको रिवीजन भी करने में आप लोगों को लास्ट मोमेंट में कठिनाई होगी, तो सबसे बड़ी हानि यही हो जाएगी कि रिवीजन नहीं होगा तो फिर आपकी तैयारी ना के समान है। और अधिक अधिक सोर्स से आप पढ़ेंगे तो आपके मन में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा, और यदि आप एक ही बुक से पढ़ेंगे और बार बार उसका रिवीजन करेंगे तो कंफ्यूजन की संभावना भी ना के मात्र हो जाएगी, एंड इसके साथ साथ आपका रिवीजन भी भरपूर हो जाएगा। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि आपको क्या और नहीं करना। दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट लिखा है कि इसकी उसकी बातों में लगना। कहने का मतलब अच्छी है वो बात अलग है, लेकिन फालतू की बातों में आपको ध्यान नहीं देना, लगना नहीं है। अब फालतू की बातें कैसे होती हैं कि भाई इस दोस्त ने बोल दिया कि अभी से क्या पढ़ाई करेंगे, एडमिट कार्ड आ जाने दो। उस दोस्त ने बोल दिया यार जी किस बुक से पढ़ रहा है तू, इससे नहीं पढ़ना है, इससे पढ़ना है। तो आपने 2 3 दिन ये पढ़ी, फिर 2 3 दिन बाद दूसरी बुक लेके आ गए, फिर आप उसमें लग गए। तो दोस्तों आप सबसे बड़ी गलती करेंगे फालतू की बातों में। आपने यदि किसी बुक को उठा लिया है तो आपको उसको पूरा कंप्लीट करना है, विश्वास रखना है। जी हाँ दोस्तों, और मैं अभी बता दूंगा कि आपको कौन सी बुक बेस्ट रहेगी आपके जीके या जनरल अवेयरनेस के लिए। तो फ्रेंड्स ऐसा भी बातें हैं जो आपको नहीं करना है। आप अभी से तैयारी करेंगे तो विश्वास मानिए आपका पेपर 100% निकलेगा। कोई माइकल लाल नहीं है जो आपका पेपर ना निकालने दे। अब चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स कि आखिरकार हमारी यह सब तैयारी कैसे होगी और हम किस बुक से पढ़ें। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार किस बुक से तैयारी करें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं जीए और जीके के लिए। तो दोस्तों जीके के लिए तो मेरे हिसाब से ल्यूसेंट की जो जनरल नॉलेज रहती है, सामान्य ज्ञान, बहुत ही बेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इसकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। जीके के लिए ल्यूसेंट की जनरल नॉलेज नीले कलर में आती है दोस्तों, ब्लू कलर में। और आपको जो बेटर लगे, मैं यहाँ पर किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, है ना,
मेरे को जो बेस्ट लगती है मैं आपको वो बता रहा हूँ। और इसी प्रकार से बात करते हैं क्या जीए के लिए, तो फ्रेंड्स आप इसके लिए एसपीडी का जो वार्षिक अंक आता है वो भी ब्लू कलर में आती है दोस्तों, आपको पूरे 2019 का उसमें अच्छे से डीपली बेहद छोटे छोटे पॉइंट में पूरा करंट अफेयर समझाया होता है। तो फ्रेंड्स आप उसको भी कवर कर सकते हैं किससे, एसपीडी से, और आपको जो बेटर लगे आप वो भी कर लें, है ना। मैंने जो सोर्स बताया है इससे बाहर भी आपको क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। ये तो हुआ जीके और जीए के लिए, जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के लिए कि कौन कौन सी बुक आप खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं सर हिंदी और इंग्लिश के लिए कौन सी बेस्ट रहेगी। तो फ्रेंड्स हिंदी के लिए भी मैं ल्यूसेंट की जो आती है थोड़े थोड़े व्हाइट कलर में वो बेस्ट बुक मानूंगा, क्योंकि उससे बाहर आपको हिंदी का एक भी क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेगा। यदि आप उसमें से क्वेश्चन कवर कर लेते हैं तो आपकी हिंदी उससे बाहर देखने को नहीं मिलेगी। ल्यूसेंट सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी, है ना। अब दोस्तों यहाँ पर मैं किसी भी बुक का वो नहीं कर रहा हूँ कि आप बोल रहे हो कि सर ल्यूसेंट ल्यूसेंट बता रहे हो, आपको जो बेस्ट लगे, लेकिन मेरे हिसाब से जो बेस्ट है वो यही बुक है। इसी प्रकार से आप इंग्लिश के लिए भी ल्यूसेंट की ले सकते हैं। अब बात आती है सर हिंदी और जीके और जीएस का, तो आपने बता दिया है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या मैथ और हमारा रीजनिंग है, इसके लिए कौन सी बुक। तो डिफरेंस बात कर लेते हैं कि मैथ सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी कि जिससे बाहर कोई क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या अंकगणित आर एस अग्रवाल की। जी हाँ दोस्तों अंकगणित आती है आर एस अग्रवाल की, यदि आप इसके क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो इससे बाहर ही शायद आपको एक भी क्वेश्चन देखने को मिले बाकायदा, लेकिन आपको रिवीजन अधिक से अधिक करना होगा। जी हाँ दोस्तों आर एस डॉक्टर आर एस अग्रवाल की, दीपक अग्रवाल लिखा रहता है अंकगणित, है ना, आर एस अग्रवाल की। अब दोस्तों ज्यादा बुक नहीं ले लेना, क्योंकि आप कहीं किरण की ले लो कहीं आर एस अग्रवाल की ले लो, रिवीजन एक का भी न कर पाओ तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। इसी प्रकार से बात करते हैं क्या कि सर अब हम हमारा जो सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति या रीजनिंग रहता है उसके लिए कौन सी बुक खरीदें। तो फ्रेंड्स इसके लिए मेरे हिसाब से जो बेस्ट बुक रहेगी वो रहेगी आपकी अरिहंत की। जी हाँ दोस्तों आप अरिहंत की सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति की एक पतली सी बुक आती है, उसका मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर लेंगे, उससे प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो आपको शायद ही एक भी क्वेश्चंस बाहर देखने को मिले, अरिहंत की, है ना। तो दोस्तों ये तो हुआ कि कौन कौन सी बुक हम ले सकते हैं, मैंने चारों सब्जेक्ट के लिए चारों बुक बता दी हैं। आपको इससे ज्यादा सोर्स इकट्ठा नहीं करना है, यदि आपको दूसरी बुक बेस्ट लगती है तो आप वो ले लें, लेकिन फिर उसके अलावा आपको दूसरी बुक नहीं लेनी है। मतलब चार सब्जेक्ट हैं तो आपको चार ही बुक रखना है, ऐसा नहीं कि आप चार के लिए 8 बुक और 12 बुक रख लें, क्योंकि उसमें आपका लॉस होने वाला है। पहली बात कि आप उतनी पढ़ नहीं पाएंगे, आपके पास टाइम नहीं है। दूसरी बात आप पढ़ भी लेंगे तो आप उसका रिवीजन नहीं कर पाएंगे, और यदि आपने रिवीजन नहीं किया तो आपने जो पढ़ा और ना पढ़ा सब एक हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आप लोगों के लिए गुड न्यूज और खुशखबरी क्या कि दोस्तों मैंने अभी तक यहाँ पे जो जो सब्जेक्ट आप लोगों के लिए डिस्कस किए हैं, यदि आप लोग चाहते हैं कि इसकी आप लोगों के लिए क्लासेस प्रोवाइड की जाएं, तो फ्रेंड्स कल या परसों से ही हम क्लास प्रोवाइड कराएंगे, बट आप लोगों के रिस्पांस के ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप लोग कैसा रिस्पांस देते हैं। क्योंकि यदि आपने क्लास स्टार्ट करवा ली और आप कोई देखने वाला नहीं होगा तो क्लास ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगी। यदि आप लोग चाहते हैं कि हाँ क्लासेज स्टार्ट हों, हम लोग देखेंगे आएंगे और सब लोग सहयोग करेंगे, तो बाकायदा आप लोगों के लिए हर एक सब्जेक्ट की, चाहे फिर वो आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, जनरल अवेयरनेस हो, इन सभी की क्लासेस स्टार्ट कराई जाएंगी। मेरा प्लान तो ऐसा है दोस्तों कि कल या आज से ही मैं आप लोगों का हिंदी एंड इसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस मतलब कि सारी एसपीडी में कंप्लीट करा दूंगा विद ट्रिक। जी हाँ दोस्तों विद ट्रिक आप लोगों का जो करंट अफेयर्स रहेगा ना वो ऐसा करा दूंगा कि उससे एक भी आपको क्वेश्चंस बाहर देखने को नहीं मिलेगा। और जो जीके का वाला पोर्शन है उसमें भी अधिक से अधिक ट्रिक मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि दोस्तों अधिक से अधिक यदि आपको आउटपुट चाहिए तो आपको जीके को ट्रिक की हेल्प से याद करना होगा, क्योंकि जीके तो सागर है, आप कहाँ तक पढ़ेंगे। आपको मेन मेन पॉइंट ट्रिक
के द्वारा याद करा दिए जाएंगे। रही बात आपका जो मैथ है और रीजनिंग है, ये प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है, मतलब कि यदि आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपके माइंड चढ़ेंगे। आप इसको पढ़ के चले जाएंगे तो आप एक भी क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे, आपको इसकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों इसकी भी हम प्रैक्टिस, बाकायदा मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले हम उन पर फोकस करेंगे, देन इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, है ना। और आप लोगों का बेसिक भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा यदि आप मैथ कवर करते हैं तो दोस्तों मैथ में सबसे ज्यादा यदि कोई मायने रखता है टॉपिक तो दोस्तों उसका नाम है परसेंटेज। हम परसेंटेज को बाकायदा कवर करेंगे, देन इसके बाद आपका एवरेज आता है, एवरेज को भी हम कवर कर लेंगे, औसत, है ना, प्रतिशत हुआ, औसत हुआ, लाभ हानि हुए आपका। दोस्तों यहाँ से बहुत ज्यादा परसेंट, करीबन 50% आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है यदि आपने इन तीनों सब्जेक्ट को कवर किया, टॉपिक को कवर कर लिया। कौन सा? परसेंटेज, एवरेज एंड प्रॉफिट लॉस, इन्हीं के इर्द गिर्द हर एक चीज घूमती है। नेक्स्ट आता है क्या? रीजनिंग में। रीजनिंग में जैसे दोस्तों आपको कथन और निष्कर्ष, पूर्व धारणाएं और आपके जो पजल्स वगैरह, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। मिसलेनियस कंप्लीट करा देंगे जीके में, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को हमको मिलते हैं। और हिंदी में दोस्तों आपको शब्द के भेद, छोटी छोटी चीजें, शब्द शक्ति, अलंकार हुए, आप लोगों की संधियां हुई, ये सारी चीज हम मेन मेन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, जहां से मैक्सिमम आउटपुट हमको मिल सकता है, हम वो सारे कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यदि आप लोग बोलते हैं तो कल से ही हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए वीडियो आई हो पसंद तो लाइक अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।